यो गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो इस वीडियो जो न्यू यूट्यूबर्स आ रहे हैं उनके लिए टिप्स के लिए जो इसको कमेंट करते हैं कि कोई टिप्स बहुत बताओ। कमेंट्स आते रहते मुझे और सबका रिप्लाई करना इम्पॉसिबल है मेरे लिए। सो हमने सोचा कि एक वीडियो बना दे ताकि सबको हेल्प मिल जाए और सब तक मैसेज भी पहुँच जाए। सो इस वीडियो में हम ऐसे कुछ टिप्स बताएंगे। सो न्यू यूट्यूब चालू करने से पहले ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहला स्टेप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है बैकग्राउंड। जैसे आप लोग अगर वीडियो बना रहे हो तो सबसे पहला बैकग्राउंड देखो, कोई प्लेन कलर लो ताकि आपका जो मतलब क्वालिटी हो वो भी अच्छी हो और उसमें फ्रेम में काफी अच्छा लुक आए। लुक के ऊपर बहुत आजकल जा रहे सब, लुक अच्छा है अगर तो ही देखेंगे। अगर आपके पास कोई कपड़ा वपड़ा हो तो आप पीछे बैकग्राउंड में उसको लगा सकते। सो गाइस आपको बैकग्राउंड नॉइस का भी ध्यान रखना होगा, जैसे कि अभी भाजी वाला चिल्ला रहा है मेरे यहाँ पे और मेरे तो मतलब संडे को शूट रहता है और कोई चारा भी नहीं मेरे पास, मॉर्निंग में शूट करना पड़ता है तो इसको भी काम रहता है तो ये दोपहर में ही निकल जाता है। एक दिन मिलता संडे उसमें ये बुला लेती है। क्या करो, अभी है भी नहीं कोई पार्टनर में जो मेरी मदद करे। तो बैकग्राउंड कलर भी कोई अच्छा होना चाहिए, जैसे प्लेन कलर लोगे व्हाइट ब्लैक या फिर कोई भी कलर, ऐसा कोई कलर लो जिसमें आप अच्छे से दिखो। तो यार ये आपको ध्यान रखना है बैकग्राउंड के बारे में। सो हो गया बैकग्राउंड, अब नेक्स्ट है सेटअप। ओके सो हां सेटअप का भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपके पास अच्छा कैमरा है तो अच्छा ट्राइपॉड भी लो। सो गाइज अगर आप मतलब अभी न्यू यूट्यूबर हो, अगर आपके पास कैमरा नहीं है मेरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कोई चिंता मत करना, आप कैमरे से मतलब फोन से भी शूट कर सकते हो, उसका भी कैमरा मैंने भी स्टार्टिंग में यही की एक दो साल तक। इनफैक्ट मैं हिंदी तो अभी मोबाइल फोन से ही करती हूं, मुझे फोन ही जम गया एकदम। सो या वो बहुत लोग पूछ भी रहे थे मुझे कि मैम आप कौन सा फोन यूज करते हो, क्वालिटी बहुत अच्छी है। देखो अगर इन्वेस्टमेंट एक ही बार की करनी है तो अच्छे में ही करेंगे। मेरे पास एसेट प्लस है, जब लॉन्च हुआ था मैंने तभी ले चुकी थी और उसकी क्वालिटी माशाल्लाह काफी अच्छी है। आप भी लो अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, और या अभी तो सस्ते में भी काफी अच्छे फोन मिल रहे हैं। हाँ, सस्ते में भी अच्छा कैमरा वाला फोन, क्वालिटी अच्छी मिलती है। जरूरी नहीं कि S10 या ऐसे अभी बहुत है, बहुत होंगे ना अभी तो वीवो में ओप्पो में भी नहीं। हाँ, बहुत सारे कैमरा फोन तो है, सबको 10-15,000 में तो अच्छा फोन मिल जाएगा, तो आप उसमें से कोई भी परचेस कर सकते हो। तो इतनी बात ध्यान में रखो, कैमरा की जरूरत नहीं है, अगर फोन है तो फोन से ही काम चल जाएगा। ट्राइपॉड लो, एक ही बार का अच्छा ले लो ताकि आपको कैमरे में भी काम आए और वो अच्छे से स्टेबल रहे, गिरे नहीं, ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना। So, जैसे कि हमने सेटअप और बैकग्राउंड के बारे में जान लिए, अब नेक्स्ट जो है वो है क्वालिटी। हाँ, वीडियो की क्वालिटी आजकल ये बहुत मायने रखती है। अगर क्वालिटी अच्छी है तो फिर आपकी वीडियो तो यू देखेंगे, भले फिर आपका वीडियो मतलब एक्टिंग थोड़ी ऐसी हो फिर भी चल जाएगा, बट क्वालिटी मेन है। आजकल मैंने बहुत से ऐसे देखी हूँ जो एक्टिंग ठीक ठाक कर लेते हैं बट उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, उस वजह से उनकी व्यूज भी वैसे हो जाते हैं। तो क्वालिटी अच्छी रखना जितनी हो सके, कोई बात नहीं, नॉर्मल कैमरा है चलेगा, फोन का कैमरा भी क्वालिटी चलेगी जब तक आप इम्प्रूव कर सकते हो, मतलब जितना चला सकते हो चला लो। फिर आगे पर ध्यान रखना कि अच्छे से वो क्वालिटी मिले लोगों को, तो ही देखने में उनको मजा आएगा। एंड ध्यान रखना कि आप एडिटर कौन सा यूज कर रहे हो, क्योंकि कोई भी एडिटर आपका क्वालिटी रिड्यूस कर देता है। क्वालिटी मैंने क्वालिटी चेक करो, एडिटिंग के बारे में तो इससे पूछ लो जैसे कि ये नहीं कर रही एडिटिंग। मैं बहुत इजी वाली करती हूं, जो हार्ड रहता है इसका दे देती हूं। सो गाइस दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, आप एक शेड्यूल बनाओ पूरे वीक का, कौन से दिन पे आप अपलोड करने वाले हो आप लिख लो और वही डे पे आपको हमेशा अपलोड करते रहना है, आपको कोई भी गैप नहीं छोड़ना है। अगर आपको ग्रो करना है तो ये बहुत ही मायने रखती है चीज, क्योंकि आप देख सकते हो कि मैं मेरा रेगुलर वीडियो नहीं आता है जिसकी वजह से चैनल तो ग्रो होता नहीं। तो हमने सब कुछ देख लिया बैकग्राउंड से लेके सेटअप तक एंड वीडियो क्वालिटी तक, पर मेन चीज जो है वो है प्रमोटिंग। प्रमोशन के बिना अपने चैनल पे व्यू नहीं आएंगे, तो बताएगी कि प्रमोशन कैसे करनी। Obviously इतनी मेहनत करो व्यूज नहीं आते तो बहुत ही दुख होता है। सिर्फ वीडियो अपलोड करने से हमें व्यूज आएंगे जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें कोई जानता नहीं, तो उसको सब तक पहुंचाना अपना काम है, तो प्रमोशन बहुत जरूरी है। तो प्रमोटिंग दो टाइप की होती है, एक तो फ्री और एक तो पेड।
सो फ्री कैसे करना हो तो सबको ही पता है, सोशल मीडिया वही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम सब लिंक शेयर कर सकते हैं अपने वीडियोस की। सो अगर आपको मतलब बढ़ाना है तो आपके तो कई फ्रेंड्स होंगे, ऑब्वियसली सबके होते हैं फ्रेंड्स, तो एक ग्रुप बनाओ, ग्रुप होगा सबका, जितने भी ग्रुप होंगे सब में लिंक शेयर करो, सबको बोलो सब्सक्राइब करना है, हर वीडियो आए तो हर वीडियो को लिंक शेयर करो, फेसबुक पे उसको शेयर करो, फेसबुक पेज बना के शेयर करो, इंस्टाग्राम अभी काफ़ी एक्टिव है उस पर करो, या टिकटॉक होगा, टिकटॉक पे भी आप बोल सकते हो कि प्लीज़ मेरी लिंक मैंने मतलब बायो में दिया हूँ, प्लीज़ जाके चेक कर लो एक बार। सो इस वे में ये फ्री प्रमोटिंग आप कर सकते हो, ये करते रहोगे तब भी आपको मिलेगा कुछ भी आगे, नहीं तो ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ये ऐसा नहीं है कि वीडियो डाल दिया शूट करके ऐसे बस हो गया, उसके पीछे एडिटिंग भी रहती है, मतलब नॉइज़ भी देखना पड़ता है अपने को, बट ठीक है अभी नॉइज़ का तो उतना चलता है, बट ये प्रमोट करना बहुत भारी पड़ जाता है सबके लिए, इसके लिए भी। अगर आपको पेड करना है तो प्लीज़ कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से मत करो, करना है तो गूगल एडवर्ड्स है, उसमें आप कुछ पैसे जितना आपका बजट होगा आप डाल सकते हो अमाउंट, और कितने डेज चलाना है वो सब आप देख लेना अकाउंट बना के एडवर्ड्स पे, वो आपकी एड्स जैसे अपने वीडियोज़ पे एड्स आते हैं वैसे हमारे वीडियो किसी और के चैनल पे उनके वीडियोज़ पे एज एड दिखाएंगे। तो ये ही है जो आपको ध्यान रखना है, ज़रा सब्र रखो, इतने जल्दी कोई फेमस नहीं होता है जब तक आप उस पर बहुत मेहनत ना करो, एक टाइम ऐसा आता है जब हमें लगता है कि यार हमारा अभी कुछ हो ही नहीं रहा है, अभी छोड़ देते हैं हम, ये इसी साथ भी हो चुका है, हो रहा है काम क्या हो चुका क्या हो रहा है अभी भी मुझे कोई नहीं जानता जानने वाली चीज नहीं, बीच में बोलता था कि जाओ मेरे तो कोई व्यूज नहीं आ रहा मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं बोले जाने दे अभी, पहले तो कर जितना एक्टिव रहेगा उतना, एक तो पहले तो एक्टिव रहता नहीं है, इसके कई संडे मिस हो जाते हैं, वीडियो अपलोड नहीं करता है। सो गाइज प्लीज, मुझे कई बार लोग पर्सनल कमेंट में भी पूछते हैं कि मैम आपने प्रमोट कैसे किया है, या फिर आपने मतलब कोई मतलब अलग वे से प्रमोट किया है या ऐसा कुछ भी, इतने जल्दी आप फेमस कैसे हुए इतने जल्दी। गाइज मुझे 3 साल हो गए यूट्यूब पे, इतने जल्दी मैं फेमस नहीं हुई, और बाकी यूट्यूबर को देखो तो किसी का लक साथ हो तो वो 6 महीने में भी ऊपर जाती है, तो फिर 1 मंथ भी इनाफ है। एंड दूसरा मेन चीज जो व्यूअर्स को अट्रैक्ट करती है वो है थंबनेल, ऑब्वियसली थंबनेल तो हम बताना ही भूल गए, थंबनेल वो चीज है जिससे सब क्लिक करते हैं वीडियो पे। पर झूठा थंबनेल नहीं रखने का, क्लिकबेट नहीं रखना चाहिए, जो थंबनेल अपने को अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है जिससे उसी के रिलेटेड रखो, क्योंकि अभी यूट्यूब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, ये चीज़ पे बहुत काम कर रहा है, अगर आप गलत चीज़ गलत वे में सब करोगे तो आगे जाके आपको उस पर कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, आपका चैनल या तो मोनिटाइज नहीं होगा, ऐसे ही रिव्यू में पड़ा रहेगा, या तो फिर आप अपलोड ही नहीं कर पाओगे, टर्मिनेट हो जाएगा आपका चैनल। सो यही था कुछ टिप्स न्यू यूट्यूबर्स के लिए जो यूट्यूब चालू करना चाहते हैं या जो कर चुके हैं, सब्र रखना सब अच्छे से होगा, बस सब्र नहीं रखोगे तो फिर आप छोड़ो, रहने दो आप करो ही मत, हर चीज में सब्र को चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट कहीं नहीं मिलेगा। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो, एंड अगर आपको कोई दूसरा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड जाने से पहले सब्सक्राइब भी कर देना एंड शेयर भी कर देना इस वीडियो को, वो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है यूट्यूबर्स के लिए। So I hope you like this video. If you do, make sure you hit the subscribe button. See you in the next video. Till then, goodbye. So जैसे कि हम सेटअप और so जैसे कि हमने कैमरा और अरे कितने क्या थे जी यार ये मेरी रुक नहीं रही है नहीं पता मुझे बहुत अच्छी आ रही start तू एक कम का हंस ले आराम से बैठ के चल।